राजनांदगांव के पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र दास वैष्णव ने भूपेश बघेल को घेरते हुए कहा कि भूपेश है तो भरोसा है का नारा भी दिया गया था और इस भरोसे को छत्तीसगढ़ की जनता पहले ही ठुकरा दिया गया। फिर राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव की हैसियत से वोट भी मांगे जा रहे हैं। राजनांदगांव लोकसभा में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मंच पर चुनौती दी और वो चुनौती आज भी जारी है, निष्कासन के बाद आज उन्होंने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपने एक भी बड़ा आरोप लगाया उन पे कि या तो मेरे साथ आमने सामने डिबेट कर ले या वो राजनांदगांव छोड़ दे या मैं राजनांदगांव छोड़ दूं। देखिए, मैंने जितनी बात वहां कही थी अगर वो बात गलत निकली तो मैं राजनांदगांव छोड़ दूंगा। मेरी जन्मभूमि है राजनांदगांव, मैं राजनांदगांव छोड़ दूंगा और अगर गलत निकली तो आपको राजनांदगांव ना पड़ेगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं अगर ये बात है तो आप राजनांदगांव के मानव मंदिर चौक पर आइए, आप और हम दोनों डिबेट करते हैं और यहां जनता तय करेगी कि क्या होगा। भूपेश है तो भरोसा है का नारा दिया था जिस पर आपने फिर बड़ा आरोप लगाया। यही तो मैं कह रहा हूं, आपने कांग्रेस पार्टी से बड़ा अपने आप को समझा और आपने कांग्रेस पार्टी है तो भरोसा है ना कह के आपने ये कहा कि भूपेश है तो भरोसा है और आपको आपके भरोसे को छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ने नकार दिया, आपको सत्ता से बेदखल कर दिया, आप 35 सीट में आ गए तो जनता ने तो पहले ही आपको नकार दिया, फिर आप किस भरोसे राजनांदगांव आ रहे हैं? यही तो हमारा सवाल है। कह सकते कि जिस प्रकार से बड़े बड़े जो आरोप लग रहे हैं और ये आने वाला चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए कहीं ना कहीं सुरेंद्र दास जो वैष्णव एक बड़ी चुनौती होंगे। कैमरामैन नीलकंठ के साथ प्रमोद सेंडे, बंसल न्यूज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।